पूरे शहर में पुणे कांग्रेस कमेटी की ओर से आज कलेक्टर कचहरी के सामने आंदोलन किया गया। इस दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आंदोलन शुरू कर कलेक्टर को निवेदन पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट का फैसला जब तक आता नहीं है तब तक चुनाव न ले, और साथ ही भारत सरकार की ओर से ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण रखा गया है वो हमारा हक है, वो जब तक हमें मिलता नहीं तब तक कोई भी चुनाव ना ले, हमें हमेशा से सामाजिक और राजकीय लोगों ने दूर रखा है, अब हमारा हक भी छीन रहे हैं। कांग्रेस पक्षाचे बंधुआणी भगिनीनो, या ठिकाणी हल्ला बोल महामोर्चा काढण्यात आलेला आहे ओबीसींच्या की ये तयारी महाराष्ट्र प्रदेश के ओबीसी के अध्यक्ष जनाब भानुदास माली साहब के नेतृत्व के अंदर ये महामोर्चा का आयोजन किया हुआ है। इसमें पूना शहर के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, सेल के अध्यक्ष, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, आमदार, माजी आमदार और सभी ओबीसी सेल के प्रमुख पदाधिकारी और महाराष्ट्र से भी यहाँ पे प्रमुख पदाधिकारी आए हुए। आप सबको मालूम है कि ये ओबीसी 27% का आरक्षण हमें मिलना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में ओबीसी के कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता आंदोलन कर रहे हैं और उसी तरह पुणे में यह आंदोलन लिया गया हुआ है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर एक कलाकार की तरफ से रोटी पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई। ये कलाकार देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ शिवाजी महाराज पुतला परिसर में जमा हुई। बताने के महाराष्ट्र समेत नांदेड़ में भी पिछले 2 साल बाद शिवाजी महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। चित्रकार कैलाश खान जोड़े ने शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर कला की इस अनूठी कृति को प्रस्तुत किया है। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र रह चुके कैलाश ने रोटी पर शिवाजी महाराज और जानता राजा की 2 अलग-अलग खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं। ये कला देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई। इस मौके पर कैलाश ने कहा कि हमें रोटी मिलने का एहसास छत्रपति शिवाजी के कारण हुआ। बता दें कि कैलाश की ये पेंटिंग आज नांदेड़ में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सबको शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। मैं ये पहली बार ही ऐसा प्रयोग कर सका है क्योंकि शिवाजी महाराज जो है गोर गरीब कष्टकारी लोगों के राजा है और शिवराय, मेरे को ऐसा लगा कि शिवाजी महाराज को अभिवादन क्यों करना और कैसा करना, तो गोर गरीब कष्टकारी उनकी वजह से ये जो भाकर मिट्टी से जो पैदा होता वही गेहूँ जवारी के आटे के ऊपर जो भाकरी बनती है उसके ऊपर मैं शिवाजी महाराज को पेंटिंग करना चाहता और उसीलिए मैं ये पेंटिंग करा। और वहीं महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के घर उनके परिवार से मिलने मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और राज्य महिला आयोग की 2 सदस्य पहुंची। वहीं बीजेपी के नेता और कांग्रेस मंत्री नारायण राणे पर दिशा सालियान को बदनाम करने का आरोप मेयर ने लगाया है और इस मामले में महिला आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। एक डील कैंसिल हो गया करके okay. लेकिन मुझे उतना सीरियस लेती है करके उसके बाद फिर से दो डील बड़ा वाला डील कैंसिल हुआ था लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ था तो इधर बोले तो जाने दो ना वो ऑफिस वाला का प्रॉब्लम है ऐसा करके मैं बोले तो नहीं दो दूसरा आएगा करके मैंने लेकिन वो इतना सीरियस लेने वाली तो वो भी पता नहीं था लेकिन ये तो छोटा दूसरा उससे बड़ा था इसके लिए वो बहुत एकदम स्ट्रेस हो गई लगता है वो उसका फ्रेंड का थ्रू से तो वहीं पुणे में मुंबई पुणे की लाइफलाइन डेक्कन क्वीन में नए रूप में 10 नए डिब्बे शामिल किए गए हैं। बता दें कि 1 जून 1930 पहली भारतीय सुपर फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली रेल को दक्कन की रानी भी कहा जाता है जिसने पुणे और मुंबई को पिछले कई सालों से जोड़ रखा है। पैसेंजर की सबसे पसंदीदा रेल में शुमार इस रेल में अब नए रूप में गुजरात के NID ने इसकी डिजाइनिंग की है। इसमें लाल, हरा और पीला कलर इस्तेमाल किया गया है। पिछले 52 साल से चलने वाली डेक्कन क्वीन अब नए रूप में ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। एक डब्बे के बैठने की क्षमता 80 से बढ़ाकर 108 कर दी गई है। वहीं रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये डब्बे मार्च के पहले हफ्ते में डेक्कन क्वीन लगाए जाएंगे।
तो वहीं मुंबई के पालघर जिला के विरार इलाके में एक गुजराती कार्यक्रम में जमकर नोट उड़ाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन शनिवार रात विरार के रायपाड़ा में स्वयं चैतन्य शक्ति धाम गौशाला के जरिए से किया गया था। पालघर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में जमकर लोग नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और वहां पर आसपास में भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और नोट उड़ाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले की जाँच की जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से लोग खुला नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुंबई के रघुकुल इमारत के कंपाउंड में महानगर गैस की पाइप में गैस लीकेज के चलते भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये रघुकुल इमारत मानव कल्याण केंद्र सिग्नल के पास में स्थित है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी और महानगर गैस के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये महानगर की गैस पाइपलाइन है, ये अंडरग्राउंड रहती है और उसके बाजू में जो कचरा गिरा था उसमें से कोई माचिस या सिगरेट डाली गई है, उसके वजह से वो कचरा जलने की वजह से उनका जो मेन रेगुलेटर है वो जल रहा था और उससे गैस लीकेज हो रहा था। ये 4 bar प्रेशर का गैस रहता है और अभी फायर ब्रिगेड तुरंत एक्शन मोड में आने की वजह से गैस पे कंट्रोल लाया है। अब महानगर टीम भी आ चुकी है, उन्होंने मेन सप्लाई बंद किया है तो अभी कुछ धोखा नहीं है, फिर भी हम कूलिंग ऑपरेशन चालू रखे हैं। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार मुंबई में 100 से भी कम COVID-19 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 96 नए केस और एक की मौत हुई है कोरोना से। वहीं अब मुंबई में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1415 हो गई है। सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 17 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार 96 केस मुंबई में निकले हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में किए गए 16,776 टेस्ट में 96 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस दौरान 188 मरीज कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। इस तरह रिकवरी दर 188 मुंबई में 98% दर्ज की गई है। माया नगरी में इस महामारी के दौरान अब तक 10,55,657 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10,34,681 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही अब तक 16,688 मौतें दर्ज की गई हैं कोरोना के कारण। बता दें कि भारत में कोरोना का ग्राफ अब लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11,621 नए केस सामने आए हैं। वहीं 232 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 34,045 लोगों ने कोरोना को हराया भी है देश में। तो वहीं अब बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर अंबाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के बजट को लेकर कहा कि सभी विभागों ने बजटरी एस्टिमेट वित्त मंत्रालय को दे दिया है। उम्मीद है कि ये बजट आमजन के लिए सुविधाजनक और ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करने वाला होगा। वहीं बरसात में हुए फसल को नुकसान के मुआवजे के सवाल पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में सरकार ने पिछले साल 10 जिलों में हुई खराब फसल का 562 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को दिया है। 2 जिलों का 150 करोड़ अभी आगामी दिनों में दिया जाएगा। और इस दौरान रोजगार के मुद्दों पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के इंडस्ट्री पॉलिसी के कारण आज बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही हैं, जिससे कि हरियाणा में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ऑलरेडी अलग अलग विभागों ने अपनी ओर से जो उनके बजटरी एस्टिमेट्स हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए
उसके प्रति महत्व रखेगा। केंद्र के बजट ने भी डिजिटलाइजेशन का लाभ पूरी तौर पर उठाने का काम किया है और प्रदेश का बजट भी इस ओर एक नया कदम उठाए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में 16 फरवरी से दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर पुलिस सप्ताह समारोह आयोजित किया जा रहा है। जगह जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से इलाकों में सामाजिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से पुलिस बैडमिंटन लीग का आयोजन किया गया, जिसमें साकेत थाने के पुलिसकर्मी, स्पेशल स्टाफ के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और बैडमिंटन खेला। वहीं विजेताओं को एडिशनल DCP पवन कुमार शर्मा ने सम्मानित भी किया। पुलिस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 16 से 22, उसमें पब्लिक के लिए तो ब्लड डोनेशन कैंप है, अवेयरनेस कैंप है, काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो अभी हमने स्टाफ के लिए यहाँ पर SHO नील है और ACP लक्ष्य है और हमारे SHO रजनीश है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेकर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है साकेत पुलिस स्टेशन में। इसमें अभी 9 टीमें बनाई हैं, एक टीम फीमेल्स की है और बाकी मेल्स की है। तो इससे देखिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, पुलिस की जॉब आपको पता है कितना टफ है, तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से क्या होता है कि एक तो जो स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ज़रूरी होनी चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भौरी में DSP और सब इंस्पेक्टर के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर परेड का निरीक्षण किया और दीक्षांत समारोह के इस परेड में वो शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षण रत पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी और सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, ADG प्रशिक्षण अनुराधा शंकर, ADG अशोक अवस्थी, ADG विजय कटारिया समेत अन्य पुलिस अधिकारीगण और उनके परिजन मौजूद रहे। बता दें कि दीक्षांत समारोह में 33 उप पुलिस अधीक्षक, 20 उप निरीक्षक और एक सूबेदार प्रशिक्षु अधिकारी ने भाग लिया। भोपाल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भरंडी के भौरी में पुलिस उप अधीक्षकों के 6 बैच प्रशिक्षित किए गए, जो मैदानी पुलिसिंग के कार्य कर रहे हैं और इस तरह अकादमी की तरफ से वर्तमान तक 254 उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, तो 1345 उप निरीक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं। इस प्रदेश को व्यवस्थित करने में और कई क्षेत्रों में जो कलंक प्रदेश के माथे पे लगे हुए थे, जैसे चंबल के बारे में धारणा ही खराब थी लोगों की, वो कलंक को धोने का काम आप जैसे प्रशिक्षु जो निकल के गए उन्होंने किया। हमारे यहाँ नक्सलाइट का कलंक था, सिमी के कलंक थे, अलग अलग क्षेत्र थे। हम डाकू समस्या लें तो वो ग्वालियर चंबल से शुरू होके यहाँ बिंदित के ठोकिया तक आती थी, ददुआ तक आती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी चिन्हित डाकू ग्रोह नहीं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।